हेलो दोस्तों, मैं हूं वसीम। और चलिए, हम लोग सीख रहे थे, अभी 3D सीख रहे थे। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे, एक नट और बोल्ट डिज़ाइन करना। तो अगर जो आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। हम लोग छोटे छोटे और बड़े प्रोजेक्ट भी करेंगे इस पे, तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको उससे क्या होगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप पहले देख सकते हो, है ना। तो आज हम लोग चलिए चलते हैं, देख एक पहले ड्राफ्ट कर लेते हैं, M20 बोल्ट, है ना। उसके बाद उसको मॉडलिंग भी करेंगे, उसको डिज़ाइन भी करेंगे 3D में कैसा दिखेगा। तो चलिए चलते हैं। तो आपने पढ़ा होगा M20 नट और बोल्ट के बारे में, है ना। तो M20 मतलब क्या, 20 डायमीटर का। तो हम लोग बनाते हैं पहले एक M20 का जो डायमेंशन होता है, वो होता है जो लेंथ होता है वो 5 से लेके 300 mm तक का होता है। तो हम लोग अभी यूज़ कर ले रहे हैं 100 mm का लेंथ, जो कि 100 mm का मान ले रहे हैं हम लोग, है ना। ये 100 mm का ले लिया लेंथ हमने, है ना। और नेक्स्ट क्या है, ये इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको मूव कर लेते हैं। मूव लिया एम इंटर, और उसके बाद कहीं पकड़ के यहाँ से हमने ये मूव कर लिया, F8 ऑफ करके कहीं पे भी ये मूव कर लिया मैंने, है ना। अब नेक्स्ट क्या है, इसका जो M20 है तो डायमीटर 20 होगा, तो 20 डायमीटर लेना होगा। तो फिर से लाइन लेंगे, लाइन का L कमांड होता है, इंटर किया, इस साइड जो है F8 ऑन कर लेते हैं अभी 20 डायमीटर का। तो 20 डाला, इंटर कर लिया। नेक्स्ट ये जो है हाइट तो सेम ही होगा, तो हाइट हमने सेम रख लिया और इसको क्लोज कर लिया, है ना। ये क्लोज कर लिया मैंने। नेक्स्ट क्या है, जो ये बोल्ट का कैप होगा, कैप बनाना। तो कैप बना रहे, तो M20 जो बोल्ट होता है उसका कैप का जो वो होता है डायमीटर आप बोल सकते हो, वो 30 mm का होता है। तो ये लेंगे 50 mm, हम लोग इस साइड ले रहे हैं, तो 50 mm लिया, इंटर किया। और जो थिकनेस होता है, ये थिकनेस वो होता है 12.5 mm का। तो 12.5 mm हमने ले लिया, और इस साइड 30 लेना है पूरा, और नीचे भी 12.5 mm, 12.5 mm लिया मैंने, इंटर किया और इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ तक, है ना। ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, अभी ये जो बोल्ट है इसमें क्या होता है, अभी ये ऐसा दिख रहा है क्या, ये कोई ऐसा पत्ता टाइप का है जो कि कोई थिकनेस नहीं है इसमें दिखा, कि थिकनेस है इसमें कितना है वो दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन से ही शो कर देते हैं थोड़ा सा। जैसे ये मैंने यहाँ से एक 1 mm का लाइन इस साइड ले लिया मैंने, और 1 mm इस साइड का ले लिया लाइन। ये क्या है, ये दिखाता थिकनेस, है ना। अब जब देखोगे ड्राफ्ट करोगे तो ये दिखाएगा, क्योंकि ये टोटल 20 है, तो 22 अभी लेंगे हम लोग, है ना। 22 लिया, तो ये सारा डायमेंशन सेम ने, तो हम लोग मिरर भी हाफ जा करके मिरर भी कर सकते थे, ये हमने ले लिया। ये इससे क्या होता है, ये दिखा, इससे पता चलता है कि मेरा ये है ना वो एक बोल्ट है जो कि पत्ता टाइप का नहीं है, ये बोल्ट बना हुआ है ना। नेक्स्ट क्या है, ये हमने कर लिया। अब इसमें पिच होता है, तो पिच जो होता है M20 का वो है 2.5 mm का। तो हम लोग एक लाइन लेंगे यहाँ से लेंगे एक लाइन 1 mm इधर, 1 या 2 mm जितना भी हो, हमने अभी 2 mm रख लिया। ये हम लोग क्यों ले रहे हैं, ये आपको पता चलेगा 3D जब हम लोग इसका बनाएंगे तब। अभी ये बता दे रहा हूँ कि ये है, ये हम लोग चैम्फर करते हैं, जो एंड पे होता है ना वो चैम्फर करते हैं थोड़ा सा। कोई भी आप बोल्ट उठा के देखोगे तो उसमें थोड़ा सा चैम्फर लगा होता है एंड पे, ताकि वो होल में जो है ना आसानी से जा सके। तो ये 2.5 पिच के जितना डायमेंशन डालेंगे इसका, है ना। और ये जो इसका लेंथ होता है वो होता है 46, M20 बना रहे हैं इसलिए 46 लेंथ का डाला मैंने। और ये इंच जो है, ये एक 45 डिग्री एंगल पे, ये हम लोग ये F8 अभी ऑफ कर लेते हैं तो 45 डिग्री एंगल पता चलेगा। ये 52 है, ये 47 है ना, 43। ये आप लोग एट दी रेट वाला सिस्टम यूज़ करके भी हम लोग कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या कर ले रहे हैं, 45 पे ले लिया हमने, है ना। ये हमने एक ड्राफ्ट कर लिया। उसके बाद क्या है, इस साइड भी सेम ही ऐसा ही होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको सेलेक्ट करके उधर मिरर कर लेंगे, जैसे कि आसानी होगा, है ना। तो अभी क्या कर ले रहे हैं, पहले इसको, ये रेफरेंस हमने लिया था, इन दोनों को हटा लेते हैं। ये सेलेक्ट किया है, उसके बाद ये भी सेलेक्ट करके हटा लेते हैं दोनों को, है ना, डिलीट कर लिया ये मैंने।
और यहाँ पे क्योंकि चैम्फर लगाना था तो यहाँ चैम्फर के लिए लाइन ले लेते हैं पहले से। ये हमने एक लाइन ले लिया है ना। अब इसको सबको हम लोग मिरर कर लेते हैं। ये सेलेक्ट करके ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसको मिरर के लिए कमांड डाला MI और इसके सेंटर से है ना, इसके सेंटर से इसके मिडिल तक का ले लिया मैंने, इंटर कर दिया, ये मिरर हो गया। अब ये दिख रहा है कि एक बोल्ट बना हुआ है ना, इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं। ये मैंने कनेक्ट कर लिया। ये अब दिख रहा है बोल्ट बना हुआ जिसमें कि थ्रेड डाला हुआ, 46 mm तक का थ्रेड डाला हुआ है और 100 mm लेंथ है टोटल। और ये यहाँ पे जो होता है ये हेक्सागन होता है। हेक्सागन शेप दिखाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो लाइन बनाएंगे यहाँ से इसके इस पे लाइन बनाएंगे और एक और लाइन बना लेंगे जो कि यहाँ से होगा और यहाँ तक का। आप लोग थोड़ा सा हटा के भी, इससे थोड़ा सा हट के भी हो सकता है, कैसे भी दिखा सकते हो। तो ये कि ये एक रहेगा हेक्सागन है ना, तो यहाँ पे हम लोग और लगाएंगे एक चैम्फर लगाएंगे है ना। तो चैम्फर लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये फिलेट लगाएंगे है ना, फिलेट लगाएंगे। फिलेट लिया और रेडियस के लिए R डाला, इंटर किया 2.5 रेडियस का, और इसमें यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे। इस साइड हो गया, फिर से लाइन लेना होगा। लाइन लिया मैंने, यहाँ से सेलेक्ट किया लाइन और यहाँ तक का लाइन ले लिया फिर से। और फिर से वो फिलेट लेना है तो फिलेट लेने के लिए फिर से जाएंगे हम लोग, यहाँ रेडियस डला हुआ है तो इस बार रेडियस की डालने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे लिया। फिर इधर भी लेंगे तो फिर से एक बार इंटर कर लिया, रेडियस डला हुआ है, यहाँ से लिया, इसको ले लिया। फिर लाइन लेंगे फिर से है ना, ये सेम प्रोसेस करते रहेंगे। ये हमने ले लिया, उसके बाद फिर से एक बार फिलेट लेंगे। फिलेट लिया मैंने, यहाँ सेलेक्ट करके इसको और इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने है ना, ये बन गया। अभी इसको लाइन को इसको ज्वाइन कर लेते हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक हम लोग ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो है यहाँ से ये लाइन यहाँ तक भी ले जा सकते हैं, इसके परपेंडिकुलर भी लेके जा सकते हैं, और ये लाइन भी हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर लेके जा सकते हैं ना। इसका भी कहीं कहीं ऐसा होता है, कहीं कहीं ये लाइन नहीं होता है ना, तो हम लोग डिलीट कर लें, इससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बेटर लग रहा है ना। ये हमने ये फ्रंट व्यू बोल्ट का ड्राफ्ट कर लिया। अब इसका टॉप व्यू दिखाना, टॉप व्यू दिखाने के लिए क्या करेंगे, एक रेफरेंस लाइन लेंगे है ना। एक रेफरेंस लाइन हमने लिया यहाँ से, मान लिया यहाँ से एक रेफरेंस लाइन ले लिया, F8 ऑन कर लेते हैं है ना। कितना भी बड़ा रेफरेंस लाइन ले रहे हैं, फिर रेफरेंस लाइन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सेंटर अपना पता चल जाए, इस जो बोल्ट इसका जो ये बनेगा टॉप व्यू बनेगा उसका सेंटर पता चल जाए। तो सेंटर के लिए एक सर्कल लिया, सर्कल का कमांड डाला C, इंटर, और इसका जो डायमीटर है वो 30 है तो रेडियस मैंने 15 डाला। और अब जब देखोगे ये इसका जो होता है बोल्ट का टॉप जो होता है वो हेक्सागन होता है, तो हेक्सागन बनाना होगा यहाँ पे, तो हेक्सागन का साइड 6 डाला मैंने, इंटर किया, सेंटर ये रहा अपना है ना, ये सर्कम स्क्राइब होगा है ना। उसके बाद रेडियस, रेडियस 15 ही था, 15 डाला मैंने, ये बन गया है ना, ये बन गया अपना कैप, सिर्फ बना ऊपर का कैप बना बोल्ट का। अब इसमें ये जो नीचे का जो बोल्ट का लेंथ है वो भी बोल्ट के लिए सर्कल बनेगा, यानी कि 20 डायमीटर का एक और सर्कल बनेगा। ये मैंने सेंटर से बनाया, 10 रेडियस डाला, इंटर किया, ये 20 डायमीटर का बन गया। अब क्या इसमें थ्रीड जो बनता है, थ्रीड हम लोग कैसे शो करेंगे, जैसे कि बोल्ट में थ्रीड होता है, ये तो हमने फ्रंट व्यू में थ्रीड का दे दिया, पिच का वो बना दिया, उसमें थ्रीड पता चल गया कि उसमें थ्रीडेड है ये है ना। अब इसमें टॉप व्यू में कैसा पता चलेगा कि थ्रीड है इसमें, तो हम लोग क्या करते हैं 3x4 सर्कल बनाते हैं, मतलब एक क्वाड्रेंट उसका ट्रिम कर लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या कर ले रहे हैं, ऑफसेट ले रहे हैं, ऑफसेट लिया, इंटर किया, थोड़ा सा हमने 1 mm क्या किया, इसको ऑफसेट कर लिया। उसके बाद क्या कर लेंगे, ट्रिम कर लेंगे TR डबल इंटर से, ताकि ये थ्री बाई फोर बन जाए सर्कल। ये 3x4 सर्कल हमने बना लिया। ये अब पता चल रहा है क्या, ये एक बोल्ट है, बोल्ट पे थ्रेड चढ़ा हुआ है और ये बाहर वाला पोर्शन जो है वो कैप है ना, ये हमने ड्राफ्ट कर लिया। अब इसको क्या करना होता है, इसको अब ये, हाँ एक चीज़ और, यहाँ पे जो है ना ये जो हमने बनाया है यहाँ पे भी एक लाइन देना होता है,
ये जो है, ये जो पोर्शन अपना दिख रहा है यहाँ पे भी एक लाइन होता है ना, तो हमने यहाँ पे भी हम लोग एक लाइन ले रहे हैं, ये लाइन ले लिया मैंने। जो बोल्ट डिजाइन डिजाइन किया जाता है वो इस तरह का होता है ना। अब ये हमने डिज़ाइन कर लिया, ड्राफ्ट कर लिया, अब इसको डिज़ाइन करना हो तो डिज़ाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मॉडलिंग करने के लिए 3D में चले जाते हैं। 3D इसका बनाना है, मॉडलिंग करना है, तो हम लोग सबसे पहले सर्कल बनाना सी लिया, इंटर किया। ये सर्कल M20 है, यानी कि 10 रेडियस का, 20 डायमीटर का। ये मैंने 10 रेडियस ले लिया, इसको सिलेक्ट किया मैंने, इसको एक्सट्रूड कर लिया है ना, एक्सट्रूड का कमांड लिया। और कितना एक्सट्रूड है ये, हमने 100 डाला था है ना, तो 100 ये डालेंगे, 100 एक्सट्रूड कर लिया लेंथ, यानी कि ये 100 हो गया। फिर यहाँ से अब हम लोग लेंगे हेक्सागन लेंगे, तो पॉलीगन मैंने सेलेक्ट किया, नंबर ऑफ साइड 6 डाला, इंटर किया। और इसमें सेंटर इसका ये रहा अपना, ये सेंटर रहा, सर्कमस्क्राइब्ड ही है ना। और जो डायमीटर है वो 13 30 है, यानी कि 15 रेडियस डालेंगे है ना, 15 रेडियस डालिए हमने। फिर यहाँ से एक्सट्रूड करना है इसको, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, एक्सट्रूड लिया, और 12.5 हम लोग ले रहे हैं क्योंकि उसका स्टैंडर्ड साइज होता है M20 का। अब आप इसको अगर जो देखोगे शेड्स ऑफ ग्रे में तो देख सकते हो, ये एक आ गया बोल्ट। बोल्ट में क्या होता है, ऊपर आप कभी गौर से देखोगे तो पता चलेगा, ऊपर क्या होता है थोड़ा सा वो कट्स लगे होते हैं है ना, तो वो कट्स हम लोग कैसे बनाएंगे, तो वो कट्स बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन लिया एल इंटर है ना, कहाँ से, इस मिडिल वाला जो हमने सेंटर लाइन बनाया उस मिडिल वाले लाइन से F8 ऑन किया हुआ अपना है ना, इस मिडिल वाले लाइन से यहाँ मान लिया हमने यहाँ तक ले लिया, एक लाइन ले लिया। अब नीचे की डायरेक्शन में ले लेते हैं है ना, एक सीधे एक और ले लेते हैं लाइन, उसके बाद नीचे जाएंगे है ना, और इस पे मिला देंगे। ये जो मिलेगा ये 45 डिग्री पे होना चाहिए, इसमें तो ये ऑटो कैड है इसलिए इसमें पता नहीं चलता है ठीक से कि हम लोग कितने डिग्री पे बना रहे हैं, पर मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में करेंगे तो वो 45 डिग्री पे आराम से हम लोग ले सकते हैं, इसमें हम लोग प्लेन सेलेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो ये मैंने ले लिया, अब क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट किया मैंने, रिवॉल्व लिया मैंने, और इस एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर लेंगे है ना, कितने डिग्री एंगल पे, तो 360 डिग्री एंगल पे, 360 डाला, इंटर किया। अब क्या, सबस्ट्रैक लेंगे, सबस्ट्रैक का कमांड लिया मैंने, मेन अपना ये है अंदर का पोर्शन, इसको सेलेक्ट किया, इंटर किया, इस वाले पोर्शन को हटाना है, ये सेलेक्ट किया हमने, इंटर कर लिया। ये देख सकते हो आप, ये नहीं आया है ना, तो अभी और फिर क्या करेंगे, फिर से बनाना पड़ेगा ये लाइन, ये लाइन लिया मैंने यहाँ से लिया, इस डायरेक्शन में नहीं, इस डायरेक्शन में लिया मैंने है ना, मान लिया इतना सा ले रहे हैं हम लोग, और थोड़ा छोटा इतना सा लिया हमने, एक और लाइन लिया बड़ा सा, अब एक नीचे की साइड है ना, अब ये यहाँ से इस इन तक मिला लिया हमने। उसके बाद ये लाइन जो एक्स्ट्रा लाइन हमने रेफरेंस लिया था, इसको हम लोग डिलीट कर ले रहे हैं, डिलीट कर लिया, इसको हमने डिलीट कर लिया। अब ये सारे लाइन को कनेक्ट कर लेंगे है ना, तो सिलेक्ट करके इसको इन सारे लाइन को कनेक्ट करने के लिए सिलेक्ट करके जे इंटर करेंगे तो ये ज्वाइन हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में क्या होता है वो आसानी से सब कुछ हम लोग कर सकते हैं। इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, ये सेलेक्ट किया, फिर रिवॉल्व लिया और इस एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे है ना, ये एक्सिस लिया हमने और 360 एंगल डाल दिया। अब यहाँ से ये सबस्ट्रैक करेंगे, सबस्ट्रैक लिया, ये मेन अपना ये है, इसमें से सेलेक्ट करके इंटर किया, उसके बाद ये घटाना, इसको सेलेक्ट करके इंटर किया, ये आप देख सकते हो ये आ गया ना। ये मेन शेप क्या था, इस तरह का शेप बनाना था, ये थोड़ा सा ज़्यादा कट गया, ये थोड़ा सा और कम कटना चाहिए, तो वो लाइन जो हमने बनाया था वो थोड़ा सा और कम काटेंगे है ना, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट है कि इसमें जो है ना बनाना है थ्रेड, बनाना है थ्रेड, बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको थोड़ा सा फ्री ऑर्बिट लेकर के इसको थोड़ा सा रोटेट कर लिया हमने है ना। अब हेलिक्स लेंगे हम लोग, नहीं तो ठीक है फिर हम लोग वही आइसोमेट्रिक व्यू में ही चले जाते हैं। हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इसको और इसको दोनों को ज्वाइन कर लिया हमने, पहले यूनियन लिया हमने,
इसको और इसको ज्वाइन करके इंटर कर दिया। ये अब ज्वाइन हो गया, एक एक पार्ट बन गया। इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, तो है ना, ये हमने ऊपर कर लिया इसको। अब जो इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो ये एक्सिस पे यहाँ पे आ रहा है ना, ठीक है। अब क्या है, हम लोग एक हेलिक्स लेंगे। हेलिक्स का कमांड होता है HELIX, हेलिक्स। हेलिक्स लिया, इंटर कर दिया। इसका सेंटर पॉइंट डिफाइन करना होता है, तो सेंटर ये है अपने पास, सेंटर ये है, सेंटर ले लिया हमने, है ना, सेंटर लिया। उसके बाद होता है रेडियस डालने का। तो रेडियस क्योंकि ये 20 M20 है, तो रेडियस 10 होगा, जाहिर सी बात है 10 हमने लिया, इंटर किया। और पहले होता है इनिशियल रेडियस, उसके बाद जो टॉप रेडियस होगा, ऊपर का रेडियस, वो भी डालना होता है। तो उसके लिए भी 10 ही डालेंगे हम लोग, क्योंकि सेम रेडियस बना रहे हैं, है ना। आप देख सकते हो, आप यहाँ पे इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक है टर्न्स का, टर्न हाइट का। टर्न हाइट तो हम लोग पहले डिफाइन कर सकते हैं, कितना, 46 का, 46 हो गया, है ना। उसके बाद टर्न कितना डालना है, टर्न्स डालना है। टर्न जो होगा 46 बाई 2.5 करके हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो मान लिया 18 टर्न्स ले लिया मैंने, 18 टर्न्स ज़्यादा हो जा रहा है ये बहुत, इसको डिलीट कर ले रहे हैं, है ना। फिर से ले रहे हैं, एक हेलिक्स फिर से बनाएंगे। हेलिक्स लिया हमने, इसके सेंटर से, ये सेंटर था अपना, इसके सेंटर से लिया, रेडियस 10 डाला, इंटर, टॉप रेडियस भी 10 डाला, इंटर किया। और ये टर्न्स इसका चेंज कर रहे हैं हम लोग, है ना, टर्न्स चेंज कर रहे हैं। कितना टर्न्स होना चाहिए, टर्न्स होना चाहिए, ठीक है कुछ भी डाल लेते हैं, 18 ही डाला हमने, है ना। और जो हाइट है, ये हाइट हम लोग डाल रहे हैं 46 डाला, इंटर कर दिया। ये आप देख सकते हो, ये यहाँ पे एक ये बन गया, है ना। अब इसको क्या है, इस पर हम लोग क्या करेंगे, एक इसको थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग लास्ट में चैम्फर लगाना है, तो यहाँ पे हम लोग चैम्फर ले रहे हैं, ये वाला फिलेट, ये चैम्फर ले रहे हैं। चैम्फर लिया हमने, यहाँ पे 2 mm का या 1 mm का चैम्फर लगा रहे हैं। रेडियस के लिए R, डिस्टेंस के लिए D, इंटर करेंगे तो D डाला, D डाला, इंटर किया। और 1 1 mm का एक डाला, इंटर किया, और फिर एक डाला, इंटर किया, है ना। यहाँ से हम लोग एक चैम्फर ले रहे हैं इसका, ये यहाँ से चैम्फर लिया हमने, ये चैम्फर नहीं, ये 2D चैम्फर था, इसलिए वो नहीं ले रहा था। यहाँ से ये आप देख सकते हो, यहाँ पे चैम्फर है ना, चैम्फर एज यहाँ पे है, चैम्फर एज हमने लिया। रेडियस पहले से डाला हुआ होगा शायद, डिस्टेंस के लिए D डाला, इंटर किया, 1 mm, 1 mm डाला हमने। यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लिया एज को, ये एज सेलेक्ट किया, इंटर कर लिया, डबल इंटर कर लिया। ये आप देख सकते हो, ये हमने वो जो बनाया है वो चैम्फर के लिए, वो उसमें ड्राफ्ट किया, जो उसमें चैम्फर के लिए ड्राफ्ट किया। तो अभी इसको क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा मूव कर लेते हैं, है ना। तो कितना, 1 mm मूव कर ले रहे हैं, क्योंकि हमने 1 mm का चैम्फर लगाया, उसमें 2 mm का लगाते तो 2 mm मूव कर लेते हैं। तो ये अब यहाँ आ गया, है ना। अब एक सर्कल लेंगे, सी इंटर करेंगे। अभी इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, व्यू चेंज करके, व्यू हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू में चले जाते हैं इसका, है ना। ये आइसोमेट्रिक व्यू में हम लोग आ गए, और इसमें एक सर्कल बना के इसको लॉफ्ट करेंगे, स्वीप करेंगे सर्कल को। तो सर्कल के लिए सी इंटर, क्योंकि अपना जो पिच है 2.5 है, तो जो पिच मतलब क्या, टर्न से लेके टर्न तक का ये डिस्टेंस, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसको 1 mm का मान लिया हमने, 1 या 1.5 mm का ये लगाया। इसको हम लोग क्या करते हैं, स्वीप लिया मैंने, इसको सेलेक्ट किया, इंटर किया, और ये जो टर्न्स है उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि जो हेलिक्स हमने बनाया उसको सेलेक्ट कर लेंगे। और स्वीप होने में जो है ना, हमेशा थोड़ा सा वक्त टाइम लगता है, तो आप थोड़ा वेट करना, तो वो स्वीप खुद ब खुद आएगा। अगर जो नहीं आएगा स्वीप, कौन कौन कंडीशन में नहीं आता स्वीप, तो जो पिच का डिस्टेंस है, तो पिच अगर जो दोनों एक दूसरे में सट जा रहा है, ये टर्न और ये टर्न एक दूसरे में सट जा रहा है, चिपक जा रहा है, तो वो नहीं आएगा वो,
है ना, तो आप इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, सब्सट्रैक्ट करेंगे। ये सब्सट्रैक्ट लिया हमने, मेन पार्ट अपना ये है, इसको सेलेक्ट करके इंटर किया, और नेक्स्ट पार्ट अपना ये है, इसको सेलेक्ट करके इंटर कर दिया, है ना। ये आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया, ये थ्रेड आ गया। आप इसको घुमा के देख सकते हो यहाँ से, ये देख सकते हो एक थ्रेडेड बोल्ट बन गया। इसमें क्या थोड़ा सा हम लोगों ने किया, ये जो कट किया है ये थोड़ा ज़्यादा कट कर लिया है ना, तो आप थोड़ा सा कोशिश करना तो कम कट हो। ये जो कट होने का ये जो है ना, इसका स्टैंडर्ड होता है वो 45 डिग्री पे ही होना चाहिए, क्योंकि ये ऑटो कैड है, ऑटो कैड में ठीक से नहीं हम लोग कर पाते हैं, तो इसलिए इसमें, क्योंकि प्लेन जो होता है ना, बीच का प्लेन हम लोग नहीं सेलेक्ट कर पाते इसमें, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा देर लगता है वो करने में। हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं लेकिन देर लगता है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि करने से क्या होगा कि आपके पास नोटिफिकेशन जा सकता है और आप देख सकते हो वहाँ से, है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।